नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आपका गुरु क्लासेस चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करने, और क्योंकि मैं नए नए वीडियो डालता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। देख सकते दोस्तों इस बार आपके लिए लाया हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते इस बार आपके लिए लाया हूँ MPBSC MP बोर्ड 10वीं 12वीं एग्ज़ाम, MP बोर्ड 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा मार्किंग स्कीम जारी हो चुकी है, जो कि आपको इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे। तो देख सकते हैं MPBSC MP बोर्ड एग्ज़ाम 2022 MP बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग स्कीम जारी की कर दी है। MP बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की मार्किंग स्कीम जारी कर बताया। उन्होंने जो मार्किंग कैसे कैसे मार्क होंगे, कौन से विषय में कैसे कैसे होंगे, ये सब स्कीम बताया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस किस विषय में किस चैप्टर से कितने अंकों का पूछा जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करा दिया गया कि MP बोर्ड परीक्षा 10वीं और MP बोर्ड परीक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल व थ्योरी एग्ज़ाम के कितने कितने नंबर होंगे, मतलब कि जो बोर्ड आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके कितने नंबर होंगे और कितने थ्योरी के नंबर होंगे, ये पूरा आपको बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में उसी की चर्चा हो जाएगी। परीक्षा अवधि व प्रश्न पत्र को फॉर्मेट क्या रहेगा, तो देख सकते हैं MP बोर्ड स्कीम के मुताबिक हाई स्कूल 10वीं और हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं के रेगुलर एवं प्राइवेट छात्रों के प्रायोगिक विषयों को छोड़कर, जो कि प्रैक्टिकल विषय हैं उनको छोड़कर, प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हो रेगुलर छात्रों के लिए 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वाध्यायी छात्रों के लिए 80 अंक का प्रश्न पत्र बनाकर 100 अंकों से मूल्यांकन किया जाएगा। जो स्वाध्यायी छात्र होते हैं उनके लिए 80 अंक का बनेगा प्रश्न पत्र और 100 अंकों से उनका मूल्यांकन होएगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्वार्थी छात्रों के लिए अतिरिक्त मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया जाएगा, अतिरिक्त का नहीं किया जाएगा सीधे। और यहाँ पर यहाँ जाने MP बोर्ड की मुख्य मार्किंग स्कीम की बात है, तो यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं MP बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं और मूल्यांकन में 80 अंक सैद्धांतिक और 20 अंक प्रयोग के रहेंगे, मतलब कि 80 अंक आपके पेपर के रहेंगे, 20 अंक आपके प्रयोजना प्रैक्टिकल ये सब बनता है उनके रहेंगे। तो देख सकते हैं MP बोर्ड 12वीं में मूल्यांकन प्रतियोगिता प्रायोगिक विषयों में 70 अंक सैद्धांतिक 30 अंक प्रायोगिक प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब 12वीं वालों के जो तीन विषय होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इनमें 70 अंक के पेपर आते हैं पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में, तो 30 अंक के उनके प्रैक्टिकल ही रहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं 12वीं के सभी विषयों का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 40% वस्तुनिष्ठ आएगा, 40% तो आपका वस्तुनिष्ठ आएगा, तो क्लियर है कि 32 नंबर का 28 नंबर 32 नंबर का आपको आता ही आता है इस बार आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 40% विषय में आधारित प्रश्न पत्र, मतलब कि जो 40% जो आपके सामान्य प्रश्न आएंगे वो आएंगे 40%, और 20% विश्लेषण प्रश्न मतलब कठिन वाले 20% आएंगे। और मैं भोपाल में रहता हूँ इसलिए मुझे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाती है इन सब चीज़ों की, इसलिए मैं ये चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें। देख सकते हैं पुराना व्यावसायिक NSQF एवं DLED में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। 10वीं 12वीं के भारतीय संगीत विषय में तहत 2021-22 में 9वीं व 11वीं दो अलग अलग प्रश्न पत्र ज्ञान वादन तलवा तबला पखावन बनाए जाएंगे, और सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं 12वीं के दो अलग अलग प्रश्न पत्र गायन वादन और तबला पखावन बनाए जाएंगे। ये सब तो ऐसा ही है, बाकी वीडियो में देख सकते हैं आप। हाई स्कूल जो होता है हिंदी के देख सकते हैं 80 नंबर का आएगा प्रश्न पत्र, 20 नंबर के आपके प्रायोगिक, 100 नंबर ये होगा अंग्रेजी का भी ऐसे ही, संस्कृत का भी ऐसे ही, उर्दू मराठी पंजाबी गुजराती सिंधी गणित विज्ञान समाज विज्ञान। और देख सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12वीं वालों के लिए रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू समाजशास्त्र राजनीति इतिहास गणित ये सबके विषय में भी आपको देख सकते देखने को मिल रहा होगा। वैसे आप बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो और मैसेज आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अब बस इतना ही रहा, बाकी तो अपलोड कर दूँगा यही चैनल में देख सकते हो। और ये परीक्षा शुल्क 450 रुपये दिया, ये तो ऐसा ही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।